आज हम भारत ही ढोते हम दोनों भाई। तार 16 हवा बोरी, 16 हवा बोरी जाते हैं अभी। एक चक्कर आओ भर बस, अगर दया लगी तो एक चक्कर भर दिया, लास्ट चक्कर आऊ का। एक बोरी पे कितना मिले के बाद? अब वहाँ 7-8 रुपया, 8 रुपया, अब 10 रुपया लेंगे सर। चल दे दी 10 रुपया। पुलिस वाले मान ले पकड़ ले लम तो। अरे कुछ ना करिए यार, पुलिस वाला क्या करिए, पुलिस क्या है रे, क्या है बात, हमें सर लाइटिंग धो रहे हैं और क्या है, लाइटिंग धो रहे हैं। नमस्कार, मैं विजय, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज फावड़े की खनखनाहट और बालू तस्करी का नया तरीका हमने खोज निकाला। लोकल न्यूज ऑफ इंडिया की नज़रों से वो चीज़ ना बच सकी जो सोनभद्र में पुलिसिया तंत्र, एनजीटी और वन विभाग के आंखों तले और उनके पैरों के नीचे हो रही है। ऐसा नहीं है कि उनको इसका पूरा खेल पता ना हो, सब कुछ पता है क्योंकि झोल बहुत बड़ा है। आप देखिए खैरटिया और लालमाटा से सोन नदी में कैसे बालू की नई तस्करी का तरीका खोजा है खनन माफिया लोगों ने। आप खुद पहले इसको देखिए और समझिए क्या है खेल बालू के इस झोल का। आज बालू बेटा अकेले ढो रहे हैं। आज हम भारत ही ढोते हम दोनों भाई, सुनते थे उनकी चुपचाप 20 बोरी ढोले तब जगाई उनकी हम। 20 बोरी, 20 बोरी ढोलोगे? हाँ यही बोरी बोरी। यह देखो तो यार 16 हवा बोरी, 16 हवा बोरी जाते हैं अभी। एक चक्कर आओ भर बस, अगर दया लगी तो एक चक्कर भर दिया, लास्ट चक्कर आओ का। एक बोरी पे कितना मिले के बाद? अब वहाँ 7-8 रुपया, 8 रुपया, अब 10 रुपया लेंगे सर। चल दे दी 10 रुपया कर। 10 रुपया लेना। तो बलुया गिर जाता यार। जल्दी आ गेलो टीख टांगर ला जाना का गेले सो ब्रेक मार पर गए इधर हमके गड्ढा रे एक लंग पे नहीं उड़ा गिर गेलो मार बोरी वो जल्दी होई से हम लाग बोल तो एक बाइक पे 4 बोरी का ले जाले 5 बोरी ले जा ले जाते पॉइंट भी जल्दी अच्छा तो कई बोरी ले जाओगे तो एक टाली हो जाएगा। 80 बोरी में एक टाली पुलिस वाले मान ले पकड़ ले लम तो। अरे कुछ ना करिए यार, पुलिस वाला क्या करिए, पुलिस क्या है रे, क्या है बात, हमें सर लाइटिंग धो रहे हैं और क्या है, लाइटिंग धो रहे हैं। हाँ क्या लाइटिंग, लाइटिंग ले जा रहे हैं बनाने के लिए। अब आने के लिए माला माला समझने लगे, सवाल आया तो माटी पड़ गया तुम्हारे माल में। कोई दिक्कत नहीं, ये फेस बनाना पड़ता है ना यार। तो बलुया कहाँ गिरा उठे इस समय? पटेल गिरा। पटेल कई बोरी गिरा चुकले? हाँ आठ। आठ
थोड़ी बहुत गणित तो आपको समझ में आ गई होगी कि क्या खेल है 10 रुपए पर बोरी चल रही इस तस्करी का। आप जरा सोचिए कि अभी ये सिर्फ 2 और 3 लोग लगे हैं, कितना बड़ा खेल चल रहा होगा योगी जी के राजस्व को हटाने के लिए। या दूसरी तरीके से कहें कि कोरोना से लड़ रही उत्तर प्रदेश सरकार और योगी जी को शायद यह तस्कर, यह माफिया, खनन माफिया नया रोजगार देने के काम में आ रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि राजस्व तो दे नहीं सकते, सोनभद्र को लूट सकते हैं, यह लोगों के सपनों पर लूट है। यह जिला सोनभद्र की ग्राम पंचायत बिल्ली मारकुंडी का है, जहाँ यह बालू का नया तरीका तस्करी का ईजाद किया गया है। यह थाना ओबरा में आता है। जी हाँ, वही थाना ओबरा जो फूल मालाओं से स्वागत कराने में बड़ा कोरोना योद्धा बन रहा है इस समय, और ऐसे तस्करों को खुलेआम तस्करी करने का, राजस्व लूटने का पूरा नायाब तरीका दे रहा है। यह लोग सोनभद्र की धरती को खोखला नहीं कर रहे हैं, यह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खोखला कर रहे हैं। यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों की रोजगार, उनके कमाई, उनके सुख सुविधाओं का साधन खोद रहे हैं इस फावड़े से। योगी जी का, मोदी जी का सपना यह इस फावड़े की खनखनाहट में खत्म कर डालेंगे, तय है।